बुटिको द्वारा आयोजित तथा बुटिको के संस्थापक ठाकुर बेदराम के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री का बाकायदा विमोचन किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में बेदराम के संघर्ष, उनके प्रयासों तथा उनके सहकारिता के प्रति समर्पण को याद किया गया है। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के सूरत ठाकुर ने भी अपने विचार साझा किए। न्यूज प्लस के लिए कुल्लू से विनोद कुमार बॉबी की रिपोर्ट। बुटिको की आत्मा स्वर्गीय ठाकुर बेदराम जी और बुटिको पर जो ये वृत्त चित्र बना है, इसका एक ही मकसद था कि ठाकुर बेदराम जी का जीवन में क्या उद्देश्य रहा और कैसे कठिन परिश्रम से उन्होंने उसके प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्न किए, चाहे उनको लाख मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज का बुटिको है। आपने देखो, ठाकुर बेदराम जी ने गरीबी के वजह से गुफा के बीच में जन्म लिया, घर नहीं था, पढ़ाई की बड़ी मुश्किल से आगे बढ़े, इंडस्ट्रियल स्कूल से ट्रेनिंग ली और उसके बाद आज कुल्लू शाल सारे दुनिया में प्रसिद्ध है हमारी। इसलिए इसका एक ही मकसद था कि हम ये बताएं कि अगर किस तरह से हम संघर्ष करें, इतने हजारों लोगों, लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और यहाँ का जो हस्तकला है, हथकरघा है, उसकी भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो। वैसे तो किसी वृत्त चित्र को बनाने में बड़ा टाइम लगता है और सबसे बड़ी बात उसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उन बातों को निकालना, फिर उसकी सर्च करना, सर्च के वास्ते लिखना, फिर उस पर अमल में लाना, तो ये बड़ा श्रमसाध्य काम होता है। और वृत्त चित्र का एक मुख्य उद्देश्य भी रहता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें किया जाए ताकि कोई पहले, ये हमने कोशिश की इस वृत्त चित्र में।